जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 4 मई सन 2023 है। महर्षि संवत्सर 106 चल रहा है। विक्रम संवत 2080 के अंतर्गत उत्तर एन वसंत ऋतु वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि 10:58 रात्रि पर्यंत रहेगी। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। आज दिन गुरुवार है। आज चित्रा नक्षत्र है 9:05 रात्रि पर्यंत। तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज वज्र योग है 10:10 दिन पर्यंत। तत्पश्चात सिद्धि योग शुरू होगा। आज गर्करण है 10:22 दिन पर्यंत। तत्पश्चात विष्टिकरण शुरू होगा। सूर्योदय का समय है 5:29 प्रातः। सूर्यास्त का समय है 6:31 सायं। राहु काल का समय है 1:30 से दिन में 3 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। कोई भी मांगलिक कार्य इसमें ना करें। विशेष में आज श्री नरसिंह चतुर्दशी व्रत है। भगवान नरसिंह जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। चंद्रमा सप्तम में रहेगा। केतु से पीड़ित रहेगा। मानसिक चिंताएं रहेंगी। व्यर्थ के परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आप अभी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहें। दाम्पत्य जीवन के लिए समय आपके लिए बहुत भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और जो साझेदारी के व्यापार कर रहे हैं उसको सोच समझ करके करें, नहीं तो एक दूसरे के प्रति विश्वास ना होने के कारण दोनों लोगों को हानि परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अवश्य अनुकूल रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में आपको परेशानी अवश्य रहेगी। स्वास्थ्य और कर्जे से आप परेशान रहेंगे। बाकी कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे लाभ कह सकते हैं और कुछ मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की अनुकूलता, कार्य क्षेत्र की वृद्धि, आर्थिक लाभ, मन में प्रसन्नता और आपने छोटे भाई बहनों का सहयोग अथवा आपकी संतान का सहयोग भी आपको उत्तम प्राप्त होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन मिला जुला रहेगा। जहां आपको आर्थिक दृष्टि से मध्यम है, वहीं स्वयं के स्वास्थ्य अथवा आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान रहेंगे। इसलिए उनकी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रतिकूलता की स्थिति में आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसमें कोई भी आपको लापरवाही ना करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए उत्तम समय रहेगा। स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी, कार्य क्षेत्र की वृद्धि होगी। जो सरकारी कोई कार्य आपका रुका हुआ है वह पूर्ण होगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामले में विजय मिलेगी और आपको बहुत सारे मित्रों का सहयोग मिलेगा। भविष्य को लेकर के कुछ नई नई योजनाएं आप बनाएंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वास्थ्य की प्रतिकूलता अवश्य रहेगी और स्वास्थ्य के साथ साथ में अपने परिवार मित्रों के साथ में कुछ विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। कन्या राशि वाले व्यक्ति एकाग्र होकर के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए परिवार और मित्रों का ध्यान भी आपको रखना होगा। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता तो अवश्य रहेगी, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र को वृद्धि करने की जगह और कम कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है बहुत परिश्रम के बाद कुछ लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए उतार चढ़ाव वाला दिन रहेगा। पारिवारिक कलह, मित्रों से विवाद, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। खर्चे की अधिकता होगी, आर्थिक लाभ कम होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का भी यही स्थिति रहेगी। जहां स्वास्थ्य की प्रतिकूलता, चोट चपेट आदि की समस्या, स्वास्थ्य के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। खर्चे की अधिकता, आय से
अधिक खर्चा होगा, मानसिक दबाव रहेगा और किसी से कर्जा ले लेंगे तो चुकाने में भी परेशानी आपको होगी। धनुराशि वाले व्यक्तियों को मिला जुला रहेगा, आर्थिक लाभ मध्यम है, भविष्य को लेकर के विचार करेंगे और कार्य करने का सोचेंगे लेकिन वह कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने मान सम्मान को लेकर के कुछ परेशान आप अवश्य होंगे। गुरुजनों का आदर करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य की अनुकूलता, कार्य क्षेत्र की वृद्धि, आर्थिक लाभ, माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा, आर्थिक लाभ धीरे धीरे होगा, अपने परिश्रम अधिक करना होगा, कुछ नया कार्य करने का विचार करेंगे लेकिन जल्दबाजी के कारण कुछ नुकसान हानि भी हो सकती है, इसलिए सोच समझ करके कोई भी कार्य करें, नवीन कार्य बिल्कुल भी न करें, जो कार्य चल रहा है वही रहने दें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी संभव है, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंतित रहेंगे, सर्दी जुकाम खांसी इत्यादि या मौसम के परिवर्तन के कारण आपकी समस्या रहेगी। स्वास्थ्य की अपेक्षा और अन्य क्षेत्रों में सामान की दृष्टि से आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मान करके सम्मान प्रतिष्ठा का प्राप्त होगी और मन में खुशी भी रहेगी। यह रहा द्वास राशियों का फल। इसी के साथ आप अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।